बहुत मुस्कुराते हुए हेल्पिंग हैंड रहे। हंगजा वही जगह है जहां पर अभी एशियन गेम्स हो रही है दोस्त। ओके गाइस, दिस इज शॉली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और हमारा यू का सफर यहीं पे ख़त्म होता है। हम अब चल रहे हैं यू से हंगजाओ। हंगजाओ जो है वहाँ पर एशियन गेम्स चल रहे हैं अभी, और हम एशियन गेम्स में मौका मिलेगा तो देखने जाएंगे। तब तक हम लोग बुलेट ट्रेन कर कर के जाएंगे, आधे घंटे का सफ़र है ट्रेन का, और पहुँच जाएंगे हंगजाओ यू से। टैक्सी ड्राइवर हैं हमारे सारथी, किसी के साथ है। ओके, यहाँ पर ऐसे है कि यू में आप शेयरिंग भी कर सकते हैं, तो लोग जो हैं शेयर कर सकते हैं अमाउंट, लेकिन डिपेंड करता है कि जो पैसेंजर है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है या नहीं चाहता है। यस डॉन, मज़ा आएगा। हाँ, मुझे तो ये इंटरेस्टिंग ये है कि अगर टिकट मिल गई एशियन गेम्स की तो हम लोग जाने। 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक चलने वाला है एशियन गेम्स, और कल ही मतलब 23 को फर्स्ट डे ही ना, फर्स्ट डे जीत गया है इंडिया। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये 5 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, मैंने उसका भी पूरा ब्लॉग बनाया है, आप देख सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मॉल कमोडिटी ट्रेड सेंटर। इतने वेरियंट्स, इतने कलर्स, इतना मतलब वाइड है, इवन बाहर से भी आते हैं। और कहते हैं कि अगर आप इसमें एक दुकान में अगर 2 मिनट का भी अगर आप टाइम देंगे ना, तो आपको 3 महीने लग जाएंगे इस पूरे सेक्शन को घूमने। अमेरिकन्स भी मिले, कजाकिस्तान के लोग मिले, अफ्रीकन भी मिले। यहाँ पे एक देखा मैंने कि ग्रीनरी दिख रही है, इधर काफी ग्रीनरी है हाँ, और चिनार के पेड़ बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन सफाई, एक एक पत्ता गिरता है, उस एक एक पत्ते को डस्टबिन में डाला जाता है। ये देख के अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोगों का मतलब कपड़ा भी गंदा नहीं हुआ, ना आँखों में थोड़ा भी पोल्यूशन का कचरा होता है वो लगा। मुझे ऐसे लगा कि नहीं तो होता है ना कि हम जब ये करते हैं तो स्किन पे भी थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, वो भी नहीं हुआ। सो दिस इज़ अ पॉल्यूशन फ्री कंट्री। और दूसरा था इंडियन खाना, वेज नॉन वेज दोनों, और कहाँ पे वो रेस्टोरेंट है वो सब बताना था, तो वो सब आप देख सकते हैं व्लॉग में, स्पेशली हमने बनाया है। और कोशिश रहेगी दिखाने की कि हर जगह पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं पे अगर आपको इंडियन खाना मिल सकता है, और अगर चाइनीज़ है तो क्या खा सकते हैं। मैंने चाइनीज़ कुजीन कल ट्राई किया था, स्पेशली मेरे लिए मंगाया था कि भाई ये प्योर वेज है, एंड दैट इज़ लेम्पी। हमारी टैक्सी थी, लेकिन उसने जो है एक को बिठाया, उसको कहीं पे छोड़ा, शायद उससे कैश ले लिया होगा, मीटर हमको चढ़ा दिया। ऑटोमेटिक टिकटिंग यहाँ पर होता है। ओके गाइस, सो यू रेलवे स्टेशन पे भी आपका स्वागत है चाइना में, और हम अभी जा रहे हैं हंगजाओ, जैसे कि मैंने आपको कहा बहुत ही ह्यूज रेलवे स्टेशन है। देखिए अभी हमने टिकट कैश में लेंगे, ऑटोमेटिक भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा कैश इस्तेमाल कर लेते। और बेसिकली trip.com से अगर आप बुक करते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि trip.com से हमने एक टिकट बुक की तो 1000 रुपीज़ कट गए हमारे कमीशन उनका, मतलब टिकट थी 7000 प्लस 7000 14000 की, तो 15000 समथिंग कट गए। और यहाँ की टिकट 380 में मिल रही थी पर हेड, तो 380 प्लस 380 हो रहा था, और उसमें 280 कट रहे थे। टिकटिंग के लिए मैंने इनसे पूछा, अभी देखते हैं, ये मैप है। वेयर फ्रॉम देयर? हाँ, ठंडी ठंडी हवा रही। होटल ने चीटिंग करी थी हमारे होटल वाला है ना, बहुत शाना था, उसने जो है एसी जो है दिन के टाइम पे बंद कर देता था,
ओके, यहाँ पे देखिए ये सारा आ जा रहा है। हम लोगों ने ईवू टू हंगजाओ लिया है जो कि 35 मिनट में पहुँचाएगी, 1:15 की है एंड सेकेंड इज 10:00 को, हमारी बीजिंग से है 1 अक्टूबर की और वो पहुँचाएगी हमें 5:38 को गंगजाओ और वो होगी हमारी यहाँ की लॉन्गेस्ट ट्रेन मेनलैंड की, चाइना के मेनलैंड की हम लोगों की लॉन्गेस्ट जर्नी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। वो भी बुलेट ट्रेन में होगी तो आप लोग बुलेट ट्रेन देखते जाइएगा और फिर बाकी का मैं बाद में बताऊंगी। वैसे हम हंगजाओ से फिर बीजिंग जाने वाले हैं, सब उल्टा पुल्टा हो गया है लासा की वजह से। आपको पासपोर्ट देना होता है तो हमारा टोटल 568 ईयू टू हंगजाओ और हमारा बीजिंग टू गंगजाओ लगा है 10,000 समथिंग, मतलब मैं रुपीज में बोल रही हूँ। एज यू कैन सी ये ईयू टू हंगजाओ है 51 और ये है बीजिंग टू गंगजाओ इट्स 964। फास्ट फास्ट जा रहे हैं, 1:15 की हमारी और 1 बजने में अभी 10 मिनट है। ये बुलेट ट्रेन को बुलेट की तरह हमें कैच करना पड़ेगा। लेकिन यार एक्सपेंसिव है। हाँ बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन बुलेट ट्रेन है। हाँ आपको मतलब समझना पड़ेगा, हमारे इंडिया में भी अगर हम चाहते हैं तो हमें स्पेंडिंग हाई करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास सबसे पहले बिक जाता है। ये राइड होगी बुलेट ट्रेन की, यहाँ से हंगजाओ जाएंगे। हो सकेगा तो ये ब्लॉग अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो मैं आज की नाइट लाइफ हंगजाओ में बताऊँगी आपको। अनाउंसमेंट हो रहा है और आपका टाइम नहीं होगा ना तब तक ये लोग प्लेटफॉर्म का जो है गेट ओपन नहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है, देख रहे हैं आप। इन्होंने चेक किया हमारा पासपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन डाला, बोले यस यू आर फ्री टू गो। ओह माय गुडनेस लुक एट द वर्क, ओह माय गुडनेस जबरदस्त काम हो रहा है। चलो भाई ट्रेन मेरी छूट ना जाए। यहाँ की ट्रेनें एकदम टाइम पे होती है और ऑलमोस्ट टाइम पर पहुँचा देती है। बाय बाय डॉन। ये 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे G7334 1:15 एक बुलेट ट्रेन वहाँ से आ रही है। आ गई बबूल की बहार, गॉड डैम इट, आ चुकी है हमारी। ओके 18 इसमें कोचेज होते हैं टोटल 11 है। चलो भागो, चलो। तो ये हमारी कुछ ट्रेन है, अमेजिंग लुक दिख रही है। दिस इज बुलेट ट्रेन। ये देखिए ऊपर स्पेस, आप थोड़ा बैकपैक और वैसा सब है ना वो आप ऊपर रख सकते हैं जैसे कि ये रख रहे हैं। आप 5 × 18 सीट्स कर लीजिए, उतनी सीटें हैं यहाँ पर। ये कुछ टॉयलेट है यहाँ का। हाँ यहाँ के टॉयलेट में एक बात बोलूँ, यहाँ गंदगी हो जाती है। रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे पानी नहीं होता है और पानी नहीं होने के कारण से क्या हो जाता है कि साफ़ कैसे करेंगे, टिश्यू पेपर होता है लेकिन लोग बहुत गंदा करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखिए मिरर है यहाँ पे, नीट है, एकदम नीट है। वॉश बेसिन और डस्टबिन यहाँ पर फ्लश है, नैपकिन्स भी हैं और यहाँ पे मतलब इंडियन कमोड भी है और वेस्टर्न कमोड भी है। मैं तो प्रेफर करती हूँ इंडियन कमोड इज़ मच बेटर। इसमें बाकी सब चीज़ें सिमिलर है। वो देखिए कितना बड़ा काम हो रहा है, वो देखिए बी राइट 3A and B है और ये एयर हॉस्टेस है। ज़्यादा ये लोग कैमरा अलाउ नहीं करते हैं इसलिए मैं बच बचा के कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पे अभी तक किसी ने मुझे मना नहीं किया लेकिन जब मैं शंघाई से आ रही थी यू की ओर तभी मना कर रहे थे। वेल ऑलमोस्ट अब बता दूँ आपको, वैसे 3 कैटेगरीज की यहाँ पर ट्रेनें हैं और स्पीड इसकी 350 किलोमीटर पर आवर से ले करके 200 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल पे है। यहाँ पे सिस्टम पानी का है, आप यहाँ से ग्लास लीजिए
अगर ये बटन आप दबाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से चालू करते हैं तो हॉट वाटर आएगा। देखिए, अगर आप पैक्ड फूड लेकर के आते हैं तो उसके लिए कितने, नो इट्स ओके, तो आप आराम से गर्म पानी डालिए। नॉर्मली यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, जैसे कि ये कर रही हैं, देखिए रामेन डाल रही हैं, ये अपनी चाय लेकर के आए हैं, और यहाँ पे फायर के लिए भी रखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, एंड दिस इज नाइस। ओके, यहाँ पे प्लग है, ऐसे ऑन होता है, टिश्यू इधर है, पुश प्लीज नॉट फॉर ड्रिंकिंग सोप डिस्पेंसर। इसका सिस्टम ऐसे होता है कि आप trip.com पे भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन trip.com कमीशन लेता है और हाई कमीशन लेता है। पता नहीं पासपोर्ट वालों के लिए कमीशन लेता है क्या लेता है। अगर आप टिकट काउंटर से लेते हैं तो उसका रेट डिफरेंट दिखाई, और यहाँ पर भी डायनामिक प्राइस होते हैं बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में। हमारी ये ट्रेन हार्डली 35 मिनट्स में पहुँच जाएगी हांगझाओ। 74 का नज़ारा भी देखते चाहिए। कंस्ट्रक्शन का वर्क देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, वो देखिए, और एक लाइन सामने दिख रही है, ब्रिज जो दिख रहा है आपको। अभी स्पीड नहीं पकड़ी, अभी 80 की स्पीड से, हमारी नॉर्मल 80 की स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है। 86, मैं बस ये देख रही हूँ कब स्पीड पकड़ रही है, 100 की स्पीड पकड़ रही है। आपको पता है चाइना में अप्रॉक्सीमेट मतलब 40,000 ऑल ओवर चाइना स्प्रेड है, दैट्स अमेजिंग। और कहते हैं 2025 तक में ये लोगों का प्लान है 70,000। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 8% जो इनका स्पेंडिंग है, मतलब 8% स्पेंडिंग इनका ट्रेन के ऊपर है, जो इनकी इनकम भी नहीं है उतनी, उतना ये लोग बताएंगे 188। हमने 160 जब पार किया था वंदे भारत एक्सप्रेस में, तब हम चिल्ला रहे थे, मैं दौड़ी थी, इवन मैं मतलब ट्रेन से नीचे भी मतलब गई थी तो मेरी ट्रेन छूट गई थी, फिर ट्रेन मैंने पकड़ी। और यहाँ पे देखिए अभी हम 184 क्रॉस कर रहे हैं, टनल क्रॉस किया हमने। वन मोर टनल, 182। आपको इस ट्रेन में मतलब मिलेगा कैंटीन, एक स्मॉल बूथ होता है जहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेंगे, फ्रूट्स भी मिलेंगे, बेवरेजेस भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली स्टारबक्स की कॉफ़ी होती है, कैफे लाते, कैपेचिनो आप वहाँ पे से ले सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी, आइस टी, आइस कॉफ़ी। हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है भाई, वहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़ हैं। और अभी हमारी ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, पैरेलली देखिए जूप जूप जा रही है। बेसिकली इन लोगों ने ना अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई करा, बहुत। जिस तरीके से फ़्लाइट में आता है, इवन वंदे भारत में भी आते हैं कि बेचने के लिए आते हैं, तो उसी तरीके से आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। करीबन उसका प्राइस होता है 28 युआन से लेकर के 40, 50, 60 युआन, खाना वाना अगर चाहिए तो। अब आपको बात बताते हैं, थोड़ा सा फ्लिकर मार रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, माइक यहाँ पर है, आपको आवाज़ ज़्यादा अच्छे से सुनाई देनी पड़ेगी। मेरा हम लोगों का मेन रीज़न चाइना आने का ये था, हम लोग ऑलवेज़ कमेंट में देखते थे हमारे से, मतलब जाओ जाके देखो चाइना जो है हमारी ट्रेन्स कहाँ हैं, चाइना जो है कहाँ हैं, 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, 450 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलती है। और हम चाहते थे कि हम ये बताएं
इंडिया को, अपने लोगों को, अपने वतन वालों को, अपने भारत को, कि हम भारतीयों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों को अगर इस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है तो इनकी सोच से आगे 10 कदम आगे सोचना पड़ेगा। और अगर हमें ऐसा कोई लीडर, क्योंकि यहाँ पे एक ही लीडरशिप है कम्युनिस्ट पार्टी की, और वही लीडरशिप जो है 1949 से लेकर के अभी तक चल रही है, इस वजह से यहाँ का सिस्टम, हमने कल ही पूछा था, तो रेस्टोरेंट में जो हैं उन्होंने चाइनीज से शादी की है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ का सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट जो बोलती है हम लोग मानते हैं, वो जो है आपके एजुकेशन सिस्टम में ही सिखाया जाता है कि आपको गवर्नमेंट को फॉलो करना है, और अगर ये गलत होता, ठीक है, तब तो रिबेलियस होते लोग, पे लोग जो हैं वो सुनते हैं और गवर्नमेंट काम उनके लिए करती है, यहाँ पे फैसिलिटी देती है, तो ये काबिले तारीफ है। हमने हर चीज़ में देखा, हमने पहले नेगेटिव होकर के देखा था, मैं भी पहले बहुत नेगेटिव थी, बिलीव मी, कि हमारे इंडिया को अगर बढ़ना है ना आगे, तो हमको सच में हमारे लीडरशिप अगर ग्रोथ ओरिएंटेड है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। टॉक की शुरुआत नहीं की थी, एंड भी होने वाला है, क्योंकि हमारा हॉल्ट अभी आने वाला है। हार्डली 5 मिनट बचे हुए हैं, यहाँ पे हमारा लगेज है, लगेज रखने की मतलब बड़े बड़े अगर बैग्स हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कोई चेक करने भी नहीं आया है। और ये हमारी ट्रेन जा रही है शंघाई। कंस्ट्रक्शन वर्क है इनका, कोई गांव भी मैं कवर करूंगी, लेट्स सी कौन सा हो पाएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा हेक्टिक हो गया है ल्हासा के टूर की वजह। अभी हम लोग सब कुछ कर लेते हैं तो जाके आराम करेंगे, हाँ। शाम में फिर हम लोग इफ एवरीथिंग वर्क्स फाइन। ये देखो यहाँ पे घर का स्ट्रक्चर कैसा है, वही जगह है जहाँ पर अभी एशियन गेम्स हो रही है दोस्तों, कहीं ये वही एरिया तो नहीं है, पता नहीं, नहीं ये तो नहीं है, बेसिक स्टेशन के पास ही है, ये देखिए बिल्डिंग कितनी बड़ी। हंगजाओ को वेटलैंड भी बोला जाता है। एक मुझे मिल रहा था जस्ट मतलब वेटलैंड की तरफ, मतलब ये भी वेटलैंड की तरफ है जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ, वेरी ह्यूज बिल्डिंग में जो कि स्टेडियम के ही पास था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टेशन के पास लेना चाहिए, वहाँ से मेरे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बैटरी जाने वाली है मेरी, नंबर के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। डॉन ध्यान देना, यहाँ पे ज्यादा गैप है। सारी एशियन गेम्स के लिए आए क्या, सारे के सारे उतर रहे हैं यहाँ पे, वो देखिए सारी भीड़ उतर चुकी। क्या मैसिव स्टेशन है भाई साहब, क्या मैसिव स्टेशन है, इतना बड़ा स्टेशन है, सोचो। हमारे साथ में हमें पायलट को बुलेट ट्रेन के और बहुत मुस्कुराते हुए हेल्पिंग हैंड।
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर पुलिस हेल्प नहीं करती है, वो भी बहुत हेल्प करती है। उसी तरीके से यहाँ चाइना में भी ये पुलिस जो है वो आए, जिस जब उन्होंने देखा कि पायलट से हम बात कर रहे हैं, पायलट भी हेल्प कर रहे थे, लेकिन पुलिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली बता रहे हैं कि कहाँ से आप नीचे जाओगे, लाइन मान लोगे और उसके बाद फिर आगे जाओगे। मैंने कहा मैप डाल दीजिए हमारे फ़ोन में तो बेटर हो जाएगा। यहाँ पर 13 है, मतलब हंगजाओ में 13 से शुरू होगा। हर बेसिकली जगह का अपना अपना उन्होंने सेट किया हुआ है मीटर। स्टेशन के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा था और स्टेशन के बाहर दिखाई दे रहा है। स्टेशन को देख करके बुलेट ट्रेन में चढ़ के कैसा फील हो रहा है? बस मुझे ऐसे फील हो रहा है, एक्चुअल में मैं हर चीज को जब देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि हम इन लोगों से डेफिनेटली अलग नहीं थे पॉपुलेशन के मामले में, चाहे हमारे ऊपर लोगों ने राज किया उस मामले में। 1949 से इनकी भी हिस्ट्री शुरू हुई, हमारी भी 1947 से शुरू हुई, हमारा फ्रीडम हुआ, डेमोक्रेसी हुई, ये डेमोक्रेसी में नहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिया कब इस तरीके का बने रहा है? मतलब आई फील कि हाँ, एज अ इंडियन मुझे ऐसे लगता है, एज ए भारतीय मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरा इंडिया भी ऐसा हो जाए। ओके गाइस, तो स्टेशन से वैसे तो उसमें जो मार्क दिखा, लैंडमार्क दिखा रहा था वो 1.6 किलोमीटर था। इवन पुलिस को पूछा तो उसने कहा वॉकिंग 13 मीटर है, 13 मिनट्स है। लेकिन ये जो होटल है मैंने बेसिकली ये इसलिए चुना बिकॉज मेरे बजट में भी आ रहा था, और यहाँ पे बगल में हैफांग स्ट्रीट है जो कि ओल्ड स्ट्रीट है, तो वहाँ पे नाइट आउट हो सकता है 250 मीटर पे, ये शायद यहीं कहीं है। ऑल्दो आई वॉन्ट रिकमेंड हियर फॉर द रीजन कि एड्रेस गलत बता रहे हैं, मेरा पूरा डिसअपॉइंटमेंट, मेरा प्लान गड़बड़ हो गया। सो दिस इज द रूम, बहुत छोटा रूम है और मैंने ये छोटा इसलिए लिया था, मतलब जो ऑप्शन मिल रहा था इसलिए लिया था ताकि मुझे पास में सारी चीजें मिल रही। नीट एंड क्लीन है, ब्रश दिया हुआ है, कोम दिया हुआ है, पेस्ट दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, टिश्यू रोल है, टॉवल बहुत नीट है, सब साफ सफाई है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन। वेल, हम लोग लानू होटल में रुके हुए, लानू बिजनेस होटल। एड्रेस जो दिया गया है वो उसके अंदर ठीक है, और हम लोगों ने ब्राउज़ किया था, गूगल मैप किया था भाई कितना सही है कितना नहीं है वो तो देखते हैं, लेकिन अराउंड 1.2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है यहाँ से हैफांग स्ट्रीट। तो हैफांग स्ट्रीट हम जा रहे हैं जो कि एक ओल्ड कॉरिडोर है, और ये बता दूँ कि हंगजाओ जो है वो कैपिटल है जेजांग प्रोविंस का, और मेरे ख्याल से वहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, लेट्स सी। और कहते हैं कि ये जो शहर है ना, ये पर्टिकुलर हंगजाओ, ये लेजेंडरी शहर है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शहर माना जाता है चाइना में।